हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन है, तो लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह को सेट कर सकते हैं लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे एनिमेशन वगैरह आपके लॉक स्क्रीन पर शो करेंगे, सिंपली आपको जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग्स पर। तो डिस्प्ले सेटिंग्स को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। फिर आपके पास है स्क्रीन सेवर सेटिंग्स आती है, जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से देखते हैं कि हम कस्टमाइज पे जाकर इसमें से एनालॉग स्टाइल को सेलेक्ट कर लिए हैं। इस तरीके से आप प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। वैसे जब आप स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो जो एनिमेशन है ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर शो करेगा। शायद ये शो नहीं हो रहा है, पर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में शो करता है। इस तरीके से आप यहाँ से कलर एनिमेशंस को सेट करते हैं, प्रीव्यू कर देंगे तो कलर एनिमेशंस भी आपके फ़ोन में इस तरीके से शो करता है। या फिर आप यहाँ से फ़ोटो एनिमेशंस, कोई भी फ़ोटोस वगैरह को अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को ऑन कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।